नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गाजीपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्टर घाट के पास गंगा नदी में उस पार जा रहे यात्री से भरी एक नाव बीच गंगा नदी में बीच धारा में अचानक पलट गई, जिससे आधे दर्जन से ज्यादा लोग नदी में गिर गए और डूबने लगे। इसी समय किनारे पर ड्यूटी कर रही एनडीआरएफ की टीम और लोकल मछुआरे ने तुरंत दूसरी नाव तैर कर लोगों का रेस्क्यू किया और सभी डूब रहे लोगों को ऊपर नाव में सकुशल खींच लिया। अचानक इस हादसे को देखने के लिए घाट पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर एसपी, डीएम और बड़ी संख्या में पुलिस और एनडीआरएफ टीम पहुंच गई। डूब रहे कुछ गंभीर लोगों को स्ट्रेचर पर लादकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। इस मौके पर जिलाधिकारी एसपी सिंह ने कहा कि लाइफ जैकेट पहनाकर हम तैयार हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, जिसको लेकर यहां पर सारी तैयारियां चल रही थी। इसी बीच ये हादसा हो गया। हालांकि सबको सकुशल बचा लिया गया है। हमीरपुर में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में देर रात भीषण हादसा हो गया, जहां पर हाईवे में पेट्रोलिंग के दौरान यूपीडा सहायता वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाईवे अथॉरिटी का वाहन बैरिकेटिंग तोड़ खाई में जा गिरा। गाड़ी में बैठे चार सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायलों को झांसी रेफर किया गया। राठ कोतवाली क्षेत्र में इटालिया बाजा के पास यह हादसा हुआ। बकरीद आने को है, जिसको लेकर जिले के आलाधिकारियों ने ईदगाह का निरीक्षण किया और क्षेत्र के पार्षद स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और क्षेत्र में आ रही समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया है। क्षेत्र में साफ सफाई और पानी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी लोगों को हिदायत दी गई कि बकरीद की नमाज ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही पढ़ें, विवादित और सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा न करें। उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तीन जुलाई को आगरा के थाना पिनहाट में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई थी। हत्या के बाद लूट को अंजाम दिया गया था। दीपावली के लिए रची गई थी हत्या। रात को 12 बजे घर में एंट्री की, मुंह बंद कर कपड़े से गला दबाकर हत्या की गई। चिल्लाने पर हथौड़ी से वार किया था। सदर बाजार में चांदी की लूट में मंगला का हाथ था और दंपत्ति की हत्या भी मंगला शामिल रहा, तो पुलिस ने चार बदमाश गिरफ्तार कर लिए हैं। घटना का मास्टर माइंड भोलू और विपिन बताए जा रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आमजन में अराजकता फैलने का संदेह है। 8 घंटे तक हो रही कटौती के कारण उपभोक्ता त्रस्त हो गए हैं। गर्मी में उपभोक्ताओं को पानी नहीं मिल पा रहा है, उनका व्यापार भी आधा हो चुका है। इस पर एसडीएम ने अघोषित कटौती करने वाले विद्युत विभाग के अफसरों से जवाब मांगा है। पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पौड़ी कोटद्वार रोड पर परसुड़ा खाल के समीप दो वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों वाहनों में सवार 7 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 के दस्ते जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी और जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर शिशिर ने बताया कि दुर्घटना में घायल 7 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं सीओ सदर प्रेमलाल टमटा द्वारा जिला चिकित्सालय पहुँच लोगों का हालचाल भी जाना गया। सहारनपुर के एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि ईद की नमाज अदा होनी है, उसको देखते हुए जनपद में पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि उनके और जिलाधिकारी के द्वारा गणमान्य नागरिक और धर्मगुरुओं से वार्ता कर मीटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की तैयारियां चाक चौबंद रहेंगी, इसके लिए प्रत्येक स्थान पर ड्यूटी भी लगाई गई है। अन्य विभागों से भी समन्वय स्थापित करते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया है और ईद के दिन निगरानी सख्ती के साथ की जाएगी। संभल में पुलिसकर्मी का हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सादा कपड़े पहने एक पुलिसकर्मी पिस्टल लेकर बाइक पर सवार 2 लोगों को धमकाता और उन पर थप्पड़ बरसाता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी के वायरल वीडियो की जानकारी के बाद आरोपी पुलिसकर्मी के बचाव में आई पुलिस बाइक सवार 3 युवकों पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार करके मामले के लिए पपोती में लगी हुई है।
डोईवाला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवक को दोस्ती का फर्ज निभाना महंगा पड़ गया। फर्जी तरीके से अपने दोस्त की परीक्षा देने पहुंचा युवक चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसके कब्जे से परीक्षा धारक का प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, फोटो भी बरामद हुई है। पूछताछ करने के बाद परीक्षा धारक दोस्त को भी पकड़ लिया गया है। परीक्षा संचालक की तहरीर पर पुलिस ने दोनों दोस्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस ने भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनमाल ने बताया कि संजय दत्त की मशहूर फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर एसएससी एमटीएस की परीक्षा देने के दौरान दीनदयाल मीना की जगह उसका दोस्त आशुतोष रंजन परीक्षा देने पहुंचा। सिग्नेचर फोटो का मिलान नहीं होने पर जब चेकिंग अफसर को शक हुआ तो मामला पकड़ में आया। अपनी सगी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बता दें कि रायवाला थाना अंतर्गत प्रतीत नगर निवासी एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पिता उसकी छोटी नाबालिग भाई बहन को परेशान करते हैं, छोटी बहन को गलत तरीके से छेड़ते हैं, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। इससे तीनों भाई बहनों को अपने पिता से खतरा बना हुआ है। रायवाला थाना प्रभारी भुवन चंद पुजारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता का नाम तीरथ सिंह है और वो रायवाला थाना अंतर्गत प्रतीत नगर का रहने वाला है और पहले भी अपनी पत्नी और पीड़िता की माँ को आत्महत्या के लिए उकसाने पर जेल की हवा खा चुका है। ऋषिकेश के बनखंडी गली नंबर 7 में नालों से सिवर का गंदा पानी आ रहा है। नहाना धोना तो छोड़िए, लोग पीने के पानी तक को तरस गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक समस्या की शिकायत क्षेत्रीय पार्षद से लेकर जल संस्थान के अफसरों तक की गई, बावजूद इसके ना तो पार्षद और ना ही जल संस्थान के अधिकारी समस्या का समाधान कर रहे हैं। सिवर का पानी घरों के नालों में आने से पूरी गली में बदबू फैल रही है। जाने अनजाने सिवर का पानी पीकर करीब आधा दर्जन लोग बीमार हो चुके हैं, अस्पताल पहुँच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष अनुपम गुप्ता और संरक्षक देवेंद्र बंसल के नेतृत्व में लघु उद्योग भारती का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त गजल भारद्वाज सहित एसएसपी विपिन ताड़ा से मिला और विस्तार भेंट की। भेंट के दौरान एक जनपद के एक उत्पाद के अंतर्गत निर्मित उत्पादों को मोमेंटो के रूप में भेंट किया। शिष्टाचार भेंट में लघु उद्योग भारती से जुड़े उद्यमी भी मौजूद रहे। शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों अधिकारियों ने लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल का परिचय दिया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। लघु उद्योग भारती ने आग्रह किया कि जिला उद्योग बंधु में लगने वाले अधिकतर मुद्दे नगर निगम से संबंधित होने हैं और मुद्दों के निस्तारण के लिए नगर निगम में ही महापौर एवं नगर आयुक्त की अध्यक्षता में औद्योगिक संगठन की बैठक की जाए और मुद्दों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।